नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आप सीआईडी अकेडमी जौनपुर चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट भूगोल का अगला वीडियो होगा, जिसमें आज का टॉपिक हमारा होगा भूकंप यानी अर्थक्वेक। ये पृथ्वी की एक स्पेशल आपदा, मतलब एक खास आपदा है। इसके बारे में आज हम गहन अध्ययन करेंगे कि भूकंप क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, भूकंप क्या है, उसके क्या क्या कारण है। तो सीधी भाषा में बात करें, जैसे आपने बचपन से पढ़ा है भूकंप किसे कहते हैं, तो आपने बचपन से एक लाइन लगातार पढ़ा है कि पृथ्वी के आंतरिक हलचलों से होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। ये तो बेसिक सी बात हो गई। चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर कंपन या इस तरीके के भूकंप आते क्यों हैं, उसके कारण क्या है। तो मैं उसके कुछ खास कारणों को लिख देता हूँ, 5-6 टॉपिक नोट्स के तौर पर। चलिए, जैसे भूकंप के कारण, पहला है ज्वालामुखी विस्फोट। पहला कारण है ज्वालामुखी विस्फोट। दूसरा, प्लेटों का खिसकना। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह का संकुचित होना यानी कि बटुरना, संकुचित होना। नेक्स्ट पॉइंट आता है आंतरिक गैसों में वृद्धि, पृथ्वी के अंदर गैसों में वृद्धि। उसके बाद जलीय भार का बढ़ना, जलीय भार का बढ़ना। नेक्स्ट, परमाणु परीक्षण, और उसके बाद आता है प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट कारण जिनकी वजह से भूकंप आते हैं। मैंने 7 कारणों को लिख रखा है, अब इनको एक्सप्लेन कर देता हूं और इसमें जो जरूरी होगा मैं उसे लिख कर भी दिखा देता हूं। चलिए हम शुरू करते हैं ज्वालामुखी विस्फोट। पहला कारण है ज्वालामुखी विस्फोट से भूकंप आता है। तो कैसे आता है उसको सब एक शॉर्ट टर्म में देखते हैं। ये हो गई पृथ्वी और इस तरह से कुछ ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी यहाँ विस्फोट होता है। आप देखेंगे कि पृथ्वी के अंदर से गर्म लावा मैग्मा बाहर की ओर निकलता है और जहां से निकलता है यहां से विस्फोट होता है। विस्फोट होने पर जो यह क्षेत्रों में कंपन होगी वो क्या होगी, वही बनेगी भूकंप। अब जरूरी नहीं है कि कुछ इसी प्रकार की डिजाइन हो, क्योंकि ये पर्वतीय ज्वालामुखी विस्फोट है और ज्वालामुखी सिर्फ पर्वतों से निकलता है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ज्वालामुखी कहीं से भी फट सकते हैं। तो ये तो पर्वत की बात हो गई, समुद्री क्षेत्रों में भी ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं और मैदानी क्षेत्रों में भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर ये जो ऊपर की परत है, जब ये टूटेगी एक बड़े झटके के साथ, वही झटके से जो आसपास कंपन होगी वो बनेगा भूकंप। तो पहला कारण हो गया ज्वालामुखी विस्फोट से आने वाला भूकंप कुछ इस तरह से होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, प्लेटों का खिसकना। प्लेटों का खिसकना क्या सिस्टम है, पिछली वीडियो में हमने बताया प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में आपको बताया था, प्लेटें खिसकती रहती है हमेशा, महाद्वीपीय प्लेटें टकराना, उनका दूर होना, खिसकना। जैसे ये दो प्लेटें हैं, मान लीजिए पृथ्वी सतह की दो प्लेटें हैं और ये आपस में खिसकते हुए सटने लगती हैं। होता क्या है, या तो एक प्लेट एक नीचे हो जाएगी एक ऊपर हो जाएगी। एक प्लेट जो ऊपर चढ़ जाएगी तो क्या होगा, यहाँ का क्षेत्र ऊंचा हो जाएगा, उठ जाएगा, और इधर के क्षेत्रों में डिस्टरबेंस होगी, यहाँ विस्फोट जैसा होगा, प्लेट में दरारें आएंगी पृथ्वी पे और यहाँ बनेगा भूकंप। दूसरी चीज, ये जो क्षेत्र उठ जाता है
थोड़ा ऊपर हुआ तो ये पठार बनता है, और ऊंचा हुआ अगर मैदानी क्षेत्र तो यहाँ पर्वतों का निर्माण भी होता है। तो इस नियम से भूकंप होता है, पर्वतों का निर्माण हो जाता है या फिर पठार बन जाते हैं ऊंचे क्षेत्रों में। इस तरह से हो गया प्लेटों का खिसकना। दूसरी बार नेक्स्ट क्या होगा, दो प्लेटें सटी हुई हैं और यहाँ नगरों का निर्माण है, क्योंकि हम पृथ्वी की सतह पर हैं, लगभग 100-100 किलोमीटर मोटी प्लेटें होती, तो हमें नहीं मालूम कि कौन सी प्लेट कहाँ से अलग है। इस तरह से दो प्लेटें हैं आपस में और यहाँ नगरों का निर्माण है, सब कुछ सही सलामत है। प्लेटें खिसकना शुरू होती है धीरे धीरे, इनमें दूरी बनेगी। जैसे ही दूरी बनेगी क्या होगा, यहाँ घाटी जैसे दरार फटने लगेंगी और इस दरारों में क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ की जमीन बैठने लगेगी। जैसे ही यहाँ की जमीन बैठती है, भड़बड़ा के सब कुछ गिरने लगेगा और यहाँ एक बड़ी तबाही आएगी, जो शहरी भूकंप यानी कि मैदानी है उस क्षेत्रों में भूकंप, ये कारण बनता है भूकंप। ये दूसरा कारण है प्लेटों का खिसकना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सतह का संकुचित होना। अब सतह का संकुचित होना का क्या मतलब है, यह हो गई कोई भी एक धरती की प्लेट, भूपटल है, और यहाँ हमने क्या किया, विज्ञान और हम अपने तरक्की के चक्कर में यहाँ बड़ी बड़ी बोरिंग करते हैं, हम बहुत तेजी से धरती के अंदर से पानी खींचते हैं। इसके नीचे से पानी खींचने के बाद यहाँ एक बड़ा सा गड्ढा हो जाएगा, क्योंकि पानी के साथ बालू कण और यहाँ से पानी निकाल लेते हैं हम। बड़ा गड्ढा होने से क्या होगा, इस सतह धीरे धीरे कमजोर होगी, यहाँ जगह बनेगी और यहाँ जगह बनने की इस चीज को ये टूट कर नीचे गिरेगी। जैसे ये चीजें नीचे गिरेगी तो इस किनारे की मिट्टी, इधर की मिट्टी बहुत तेजी से इधर की ओर खींचेगी और यहाँ बनेगा फिर से भूकंप, क्योंकि यहाँ एक बड़ा झटका महसूस होगा, वही कंपन बनाता है भूकंप। तो ये हो गया तीसरा कारण प्लेटों का संकुचित होना, ये हो गया भूकंप का कारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आंतरिक गैसों में वृद्धि। आंतरिक गैसों में वृद्धि का क्या मतलब, आपको बताया गया पृथ्वी का केंद्र है, इधर लिक्विड भरा हुआ है, मैग्मा लावा और गर्म गैसें हैं। अब गर्म गैसें हैं, ये वही वाली बात हो गई, गर्म तवे पर पानी मारना। आप घर में ट्राई कर सकते हैं, गर्म तवे पर पानी मारिए, आपको खुद पता चलेगा होता क्या है, पानी जल जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं, वो गैस बन जाएंगे। ऐसी हालत में पानी की बूंदे भी इसमें गिरती हैं। ये जो पानी की बूंदें कभी गिरती हैं और इनमें जो हलचल होती है, क्योंकि यहाँ एक बहुत तेज एक अत्यंत तप्त लावा जल रहा है, यहाँ रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, वहां से गैसें निकलती हैं, गैसें निकलेंगी तो गैस हमेशा ऊपर की ओर भागना चाहेगी, यहाँ मोटी मोटी प्लेटें बनी हैं तो गैस क्या करेंगी, एक तरफा बल लगाएंगे और जहां से क्षेत्र कमजोर पाएंगे वहां से विस्फोट कर देंगे। यहाँ से विस्फोट करती है, यहाँ से सिर्फ गैसें निकलती हैं, तो इस तरीके से यहाँ एक बड़ा झटका होगा और यही झटका जो कंपन बनेगा ये बनेगा भूकंप। दूसरी चीज, अगर ये दरार बहुत बड़ी होती है तो गैसों के साथ साथ यहाँ से लावा मैग्मा भी निकलता है, वो बनेगा ज्वालामुखी, और इसके आगे ज्वालामुखी वाले चैप्टर में इसे डिटेल में डिस्क्राइब किया जाएगा। चलिए तो इस तरह से एक और भूकंप का निर्माण होता है, वो क्या हो गया, आंतरिक गैसों में वृद्धि। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जलीय भार का बढ़ना। अब जलीय भार का बढ़ना का क्या मतलब है, पृथ्वी पर सागर तो भरा हुआ है तो क्या वजन बढ़ रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं ग्लेशियर से लगातार बर्फ पिघलते हुए सागरों में जा रही है, तो पहली बात तो सागरों में चाहे जितना पानी चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अनलिमिटेड सागर है, जो वहां का वजन नहीं है। हमने क्या किया, अपनी सुविधा के अनुसार पर्वतों से बहती हुई नदियों पर हमने बड़े बड़े बांध बनाए। बड़े बांध बनाने से हमने क्या किया, वहां बिजली उत्पादन, सिंचाई के लिए नहरें बनाकर अलग अलग सिस्टम बनाए। ये जो बहुत तेजी से आता हुआ पानी हम यहाँ रोकते हैं, वो पानी इस सतह पर धक्का मारता है और इसके नीचे की प्लेट पर वजन बढ़ता है। ये हो गया जलीय भार का बढ़ना। यहाँ से 100 की स्पीड में या फिर 100 लीटर पानी आ रहा, हमने रोक दिया और हम 1-2 लीटर निकलने दे रहे हैं, बचा हुआ पानी यहाँ भार बढ़ाता है, वो इस डैम पर यानी कि हमारे बनाए हुए बांध पर धक्का मारता है। इसकी वजह से इसके नीचे की प्लेट हिलती है और ये भी भूकंप का कारण बनते हैं। इस प्लेट पर वजन बढ़ेगा और यहाँ क्या होगा, कंपन होगी और फिर क्या बनेगा, भूकंप। तो जल के भार की वृद्धि, जलीय भार बढ़ने से भूकंप कैसे बनता है, ये कारण हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परमाणु परीक्षण। अब परमाणु परीक्षण का सीधा सा मतलब हो गया एक बड़ा सा बम फोड़ना, परमाणु बम ही फोड़ना। अब आपको मालूम है छोटा पटाखा भी आप जलाते हैं, कान आपके हिल जाते हैं,
बड़ा विस्फोट होता है, उससे बहुत तेज आवाज आती है, ध्वनि इतनी स्पीड से निकलती है कि वह आसपास कंपन बना देती है। और आपने बचपन से लेकर आज तक बहुत पटाखे फोड़े हैं, आपने देखा है छोटे बड़े बम भी फोड़े हैं। बात हम कर रहे हैं सबसे बड़े बम की, परमाणु बम। ये जब विस्फोट होगा तो इस हाल में जहां भी विस्फोट होगा वहां की धरती हिल जाएगी, वहां जो कंपन उत्पन्न होगा एक बड़ी आवाज के साथ जो भी होगा उस क्षेत्र में जो कंपन होगा वही बनेगा भूकंप। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ परमाणु परीक्षण या परमाणु बम, हमने एक टॉपिक सब एक मैटर बना रखा, जब आप कोई भी बड़ा विस्फोट करते हैं जो कंपन उत्पन्न होगी वो कंपन ही भूकंप होती है। चलिए तो ये तो हो गए बेसिक से जिनको एक्सप्लेन कर दिया गया, और जो बात ना समझ में आए कमेंट के माध्यम से आप समझ सकते हैं। वीडियो तेज लगे तो आप वीडियो को डाउन करके या स्पीड कम करके नोट्स बना सकते हैं, लिखते चले समझते चले। हमारा लास्ट पॉइंट था सातवां, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत ये क्या है? इलास्टिक, इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी। अगर आप अर्थ की बात करें, हिंदी से तो आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे क्योंकि मैं भी नहीं समझ रहा, यह शुद्ध हिंदी है। तो हम यहां बात करते हैं इलास्टिक यानी कि एक रबर, रीबाउंड मतलब खिंचाव या बार बार बनना, थ्योरी मतलब सिद्धांत। सिंपल सी बात में हम सीधे से बात करें इस सिद्धांत को, चलिए विद्वान का नाम भी लिख देता हूं मैं जिन्होंने इस नियम को बताया है, नाम है उनका H.F. Reed। एच एफ रीड महोदय ने एक बड़ा सा कारण बताया भूकंप का जिसका नाम दिया गया प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत यानी इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी। एच एफ रीड ने बताया, हुआ क्या, इन्होंने बताया कि एक रबड़, जैसे कि एक प्लेट है, पृथ्वी की एक प्लेट है, चलिए यहां बनाते थोड़ी जगह लेकर, अब इस पर नगरों का निर्माण हो रहा है, बहुत तेजी से वजन बढ़ रहा है, वजन बढ़ने पर क्या होगा, प्लेट नीचे दबने लगेगी, एक लिमिट के बाद प्लेट नीचे दबने लगेगी। दबते दबते क्या होगा, ये ठीक वही काम होगा जैसे आप एक रबड़ पकड़िए और उसे खींचते जाइए फुल स्पीड में और दूर तक खींचते ही जाइए, एक लिमिट के बाद क्या होगा, रबड़ टूट जाएगी। जहां से टूटती है टूटने के तुरंत बाद दोनों टुकड़े उसके बचे हुए पार्ट अपनी पुनः यानी कि पुरानी अवस्था में आने की कोशिश करेंगे, कोशिश कर तुरंत अपनी पुरानी अवस्था को प्राप्त करेंगे, यानी कि आपके पास दो रबड़ हो जाएगा। वही नियम यहाँ होता है, उन्होंने बताया कि प्लेटें दबने लगती हैं और एक लिमिट यानी एक समय के बाद प्लेट यहाँ से टूट जाएगी। जैसे ही प्लेट टूटती है इधर का पार्ट तुरंत अपनी तरफ, इधर का पार्ट अपनी तरफ, पुरानी अवस्था में खींचेगा और यहाँ क्या हो जाएगा, भूकंप। इस तरह से भूकंप तैयार, ये हो गया इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी। एच एफ रीड ने ये नियम बताया है, तो अगर आप लिखना चाहें तो लिखिए कि प्लेटों पर तनाव या भूपटल की यानी पृथ्वी की सतह की प्लेटों पर तनाव या खिंचाव से एक लंबे समय बाद या एक सीमा के बाद प्लेटें टूट जाती हैं और टूटे हुए भाग बहुत तेजी से यानी कि बहुत तेज गति से अपनी पुरानी अवस्था में जाने की कोशिश करते हैं और इससे उत्पन्न झटका या कंपन ही भूकंप का कारण बनता है। तो यह थ्योरी आज का अर्थक्वेक यानी कि भूकंप पॉइंट कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और दोस्तों में सब्सक्राइब कीजिए। और एक खास आपको सूचना आज फिर देना था कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इंग्लिश के न्यूज़पेपर द हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया आपकी इंग्लिश रिवीजन के लिए आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल का नाम है CID अकेडमी जौनपुर, आप वहां पढ़ सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारी कोशिश होगी कि जो भी थ्योरी वाला मैटर है स्टडी मटेरियल हम उसे PDF बनाकर उस चैनल पर डालेंगे। तो आप आज ही टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, CID अकेडमी जौनपुर सर्च करिए और ज्वाइन करिए टेलीग्राम पर, वहां से कोई भी PDF डाउनलोड भी करिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।